6 दिसंबर को देश भर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं इंदौर महापौर ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बौद्ध समाज के अनुयायी भी मौजूद रहे। मंगलवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव गीता भवन चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर ने कहा कि बाबा साहब के संविधान के आधार पर देश हमेशा ऐसे ही प्रगति करता रहे। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा इंदौर एवं समता सैनिक दल द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान वंदना दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, क्योंकि बाबा साहब ने पुण्य इतनी करी है कि हम उसका ऋण चुका नहीं सकते। आज हम उन्हें वंदन करने के लिए आए हैं और एक ऊर्जा लेकर इस इंदौर में और पूरे भारत में धम्म की गति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं भारतीय बौद्ध महासभा से यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे भारत के लोगों को कि हमें संविधान की रक्षा करना होगी, संविधान के बचाने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होगी। इसलिए बाबा साहब ने स्थापित की गई मात्र संस्था भारतीय बौद्ध महासभा एवं समता सैनिक दल से जुड़कर इस भारतीय संविधान को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है और इसी तरह हम बाबा साहब का स्मरण करते रहेंगे। उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए। हम यहाँ आकर एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बाबा साहब की विचारधारा हर घर तक पहुँचाते हैं। मेरा नाम शुभम रायपुरे, जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा। राष्ट्र नायक भारत रत्न केवल अपने समाज के नहीं पूरे हिंदुस्तान को विश्व में स्थापित करने वाले शोषित पीड़ित दलित के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले हम सब के सम्माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज के इस अवसर पर मैं पूरे इंदौर की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि उनके विचार के आधारित, संविधान के आधार पर भारत ऐसे ही प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। उनके विचार और उनके किए हुए कार्यों की शक्ति हमको सदैव अच्छे काम करने की प्रेरणा देती रहे और समाज का वो वर्ग जो आज भी पिछड़ा है, शोषित है, दलित है, उसके अधिकारों की लड़ाई ऐसे ही जारी रहे और हमारे हर काम में, चाहे वो नगर निगम का हो, प्रदेश का हो या केंद्र सरकार का हो, ऐसे सब लोगों को आगे वाली पंक्ति में आने का अवसर मिले। आज के इस अवसर पर मैं यही प्रार्थना करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।